भागलपुर सहित मालदा रेलखंड पर चलने वाली यात्रियों के लिए एक बड़ा अपडेट है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली और इस रूट होकर दिल्ली जाने वाली ट्रेनों पर बड़ा जानकारी दिया है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले चैनल को नहीं किए सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आप मालदा से दिल्ली या फिर भागलपुर जमालपुर क्यूल के रास्ते दिल्ली जाते हैं या फिर सफर करते हैं या इस रूट के ट्रेन पर यात्रा करते हैं तो यह खबर आप ही के लिए है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बड़ा झटका दिया है। मालदा टाउन से दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन बनकर चल रही फरक्का एक्सप्रेस को रेलवे की ओर से 16 दिसंबर से 2 फरवरी तक रद्द कर दिया गया है। भागलपुर से दिल्ली के लिए ट्रेन रद्द होने से यात्रियों की मुसीबत बढ़ गई है। साथ ही DURCC के मेंबर अभिषेक जैन बताते हैं कि नई दिल्ली साप्ताहिक एक्सप्रेस और लोकमान तिलक का परिचालन शुरू कराने की मांग इन्होंने की है। आखिर इस रूट पर इन दोनों ट्रेनों का परिचालन कब से शुरू होगा, यह बड़ा सवाल आम यात्री भी पूछ रहे हैं। इसकी लगातार मांग इस रेलखंड के यात्री उठा रहे हैं और इस रूट पर चलने वाली यह दोनों बेहद खास स्पेशल ट्रेन है। भागलपुर से कब कब ट्रेन रहेगी रद्द, चलिए जान लेते हैं दिसंबर और जनवरी महीने के तारीखों को। दिसंबर में 17 दिसंबर, 22 दिसंबर, 24 दिसंबर, 29 दिसंबर और 31 दिसंबर को ट्रेन रहेगी रद्द। वहीं जनवरी महीने में 5 जनवरी, 7 जनवरी, 12 जनवरी, 14 जनवरी, 19 जनवरी और 21 जनवरी के साथ साथ 26 और 28 जनवरी को परिचालन रद्द रहेगा। आनंद विहार टर्मिनल से दिसंबर के महीने में 18 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर और 30 दिसंबर को परिचालन नहीं होगा। इस रूट पर चलने वाली महत्वपूर्ण ट्रेन का परिचालन बंद हो जाने से आम यात्रियों को परेशानी तो होगा, लेकिन रेलवे का यह बड़ा फैसला बढ़ते हुए ठंड को लेकर लिया गया है, जिसमें कोई भी दुर्घटना ना हो सके इस कारण इस ट्रेन का परिचालन रद्द किया गया है। इसके साथ ही विक्रमशिला एक्सप्रेस का भी परिचालन अब 16 दिसंबर से ही 5 दिन सप्ताह में हो गया है। तो ये था आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।